हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ये मैगी की बढ़िया सी टेस्टी मसालेदार रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने एक पैन लिया है, पैन में 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। अब इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। अब इसमें मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज डालते हैं। प्याज को 1 मिनट तक भूनना है। उसके बाद शिमला मिर्च, और मटर डाल के तीनों को मिक्स करना है। आपके पास जितनी भी सब्जियां हो आप डाल सकते हैं अपने चॉइस से। इसको चलाते हुए 2 मिनट तक भूनना है। इसको हमने अभी ज़्यादा नहीं पकाना है। अभी अपने स्वाद अनुसार आप मिर्च डाल सकते हैं। ये मैंने हरी पिसी हुई मिर्च डाली है। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने कम मिर्च डाली है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें स्वीट कॉर्न डाले हैं। अब इसमें टमाटर डालने हैं। टमाटर को भी अच्छी तरह से इन सब्जियों में मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह चलाते हुए मिक्स करना है। अब हमने ढक के इसको 2 मिनट तक पकाना है। ये देखिए सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। ये मैंने अपने स्वाद अनुसार नमक डाला है, हल्दी 1 चम्मच मैंने हल्दी डाली है, और 1 चम्मच देगी मिर्च, लाल कश्मीरी मिर्च। इससे कलर थोड़ा अच्छा आता है। अब हम इन सब मसालों को मिक्स कर देंगे। अब हमने इसमें पानी डालना है। ये थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डाल रही हूँ। अगर आपने 1 पैकेट मैगी बनानी है तो उसमें 1 गिलास पानी, और अगर 2 पैकेट मैगी बनानी है तो 2 गिलास पानी डाल सकते हो। ये देखिए पानी में 1 उबाल आ चुका है। पानी में उबाल आने के बाद ही हमने मैगी डालनी है। और साथ में मैगी मसाला डालना है। हमने मैगी मसाला लास्ट में डालना है ताकि इसका टेस्ट अच्छा आ सके। ये
देखिए हमने मैगी को अच्छे से मिक्स करना है। और इसको ढक के 2 मिनट तक पकाना है। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अभी इसको चलाते हुए मिक्स करना है सब्जियों के साथ। ये देखिए अभी इसमें थोड़ा पानी बचा है। अभी 1 मिनट तक और ढक के पकाना है। ये देखिए हमारी मैगी बनके तैयार है। ये बहुत ही सॉफ्ट और लाजवाब मैगी, स्वादिष्ट मैगी बनी है। आप इसको बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी मैगी बनी है। ऐसी और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।